हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज एनसाइक्लोपीडिया है और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही तड़कता फड़कता सा चैप्टर, तुम लोग के नए सिलेबस के हिसाब से क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब देखो, ये चैप्टर तुम लोग को एकदम आसानी से समझ में आने वाला है, बस थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी चीजें बस याद करने की जरूरत है, बाकी तुम लोग बचपन से ये कहानियां सुनते आ रहे होंगे। सो उसी कहानी को हम लोग थोड़ा और क्लियर करेंगे, तो बस चाय पानी और पार्ले जी बिस्किट लेकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। पार्ट है इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है। मैं तुम लोग को ये चैप्टर एकदम स्टोरी की तरह समझाऊंगा, जिससे कि तुम लोग के दिमाग में याद रखने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि मुझे पता है अगर पॉइंट पॉइंट वाइज बताऊंगा तो एग्जाम टाइम तक वो सब खिचड़ी बन जाएगा। हम लोगों की स्टोरी की शुरुआत होगी वर्ल्ड वॉर 1 से, मतलब 1914 to 1947। अब इस टाइम पीरियड के बीच में कई सारी तड़कती फड़कती चीजें होती हैं, कई तड़के लगते हैं, कई मिर्च मसाला पड़ता है, उन सबको हम लोग अच्छे से कवर करते जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, सीन ये था कि वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, सभी देश आपस में ये छोटा छोटी कर रहे थे, लड़ रहे थे, उसमें से ब्रिटेन भी एक हिस्सा था। अब देखो, क्योंकि इंडिया भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन चुकी थी उस टाइम पर, तो इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर 1 का बोझ झेलना ही था। तो देखो, अब क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वॉर 1 का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो ये 5 पॉइंट जो मैं अभी तुम लोग को बताने वाला हूँ वो राम जी का नाम लेकर लिख देना। पहला पॉइंट कि ब्रिटेन को पैसे की जरूरत थी, इसी वजह से इंडिया में टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ और सारे वॉर एक्सपेंडिचर इंडिया से पूरे किए जाने लगे। सेकेंड पॉइंट, 1913 टू 1918 के बीच में इंडिया में जितने भी गुड्स थे उनका दाम दुगना हो गया। थर्ड पॉइंट, विलेजेस में फोर्स रिक्रूटमेंट होने लग गए, मतलब कि कई लोगों को बंदी बनाकर पकड़ा जाता और युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाता, मतलब देहाती भाषा में बोलें तो बलि का बकरा बनाकर भेज दिया जाता था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कि उस टाइम पर इंडिया में क्रॉप फेलियर हो गया, मतलब बैड हार्वेस्ट हुई, इसी वजह से फूड की शॉर्टेज भी होने लग गई। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, सोने में सुहागा ये हुआ कि उस वक्त अकाल और महामारी से इंडिया का मेजर पोर्शन ग्रसित हो गया और रिपोर्ट्स के हिसाब से 12 to 13 million लोग फैमाइन और एपिडेमिक की वजह से मारे गए, मतलब इंडिया के लोगों की जिंदगी एकदम तहस नहस हो गई। अब देखो, मूवीज में क्या होता है कि जब एकदम दिक्कत आती है, जब जनता एकदम परेशान हो जाती है, तब होती है हीरो की एंट्री, और उसी बीच में हम लोगों के पिक्चर की हीरो की एंट्री होती है सीधे अफ्रीका से। जब लोगों ने ही मान लिया है गुलाम नहीं, तो फिर हम तुम कौन होते हैं? बलि। और जनवरी 1915 में अफ्रीका से गांधी जी वापस इंडिया आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी क्या क्या धूम मचाते हैं इंडिया में आकर। अब देखो, गांधी जी जैसे ही इंडिया आए, इंडिया वालों को ये पता था कि गांधी जी अफ्रीका में एकदम धूम मचाकर आ रहे हैं। उन्होंने अफ्रीका में कई सत्याग्रह भी किए थे और गांधी जी को भी अपने सत्याग्रह पे पूरा विश्वास हो गया था। अब जैसे ही गांधी जी आए, उन्होंने कई सारे सत्याग्रह किए, और अगर तुम लोग उस टाइप के बच्चे हो जो SST का मैप झलक दिखला दिखलाकर पास करते हो, सो इसी वजह से अगर तुम लोग को मैप का एक नंबर फ्री में चाहिए तो गांधी जी के सत्याग्रह की जगह और टाइम याद कर लेना। सो इंडिया में सत्याग्रह नाम की वेब सीरीज की स्टार्टिंग हुई 1916 में बिहार के चंपारण जिले से। वहां पर गांधी जी ने प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ सत्याग्रह किया। इसके बाद 1917 में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया। इसके बाद 1918 में उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में सत्याग्रह किया। तो ये 3 सत्याग्रह थी, इन सबको याद कर लो और एक एक लाइन में याद कर लो कि आखिर किन किन चीजों के लिए उन्होंने किया था। सो देखो, हम लोग की स्टोरी एकदम अच्छे से चल रही थी, लेकिन हम लोग के स्टोरी में होती है विलन की एंट्री रॉलेट एक्ट से।
अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ये रॉलेट एक्ट किस बला का नाम है, तो देखो ये रॉलेट कानून एक ऐसा कानून था जिसने ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा पावर दे दी थी। अब ब्रिटिशर्स किसी को भी कैद कर सकते थे, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जेल में बंद कर सकते थे और 2 साल तक उसे बिना किसी पेशी के, बिना कोर्ट में ले जाए अपने पास ही रख सकते थे और पूछताछ कर सकते थे। मतलब कि अब तुम लोग देख सकते हो कि अब ब्रिटिशर्स जो चाहे वो कर सकते थे। इसी के खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया और 6 अप्रैल को एक हड़ताल से उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की। इस हड़ताल से क्या हुआ, सभी मार्केट्स बंद कर दिए गए, सभी लोग विरोध पर उतर आए ब्रिटिश सरकार के। फिर जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि नहीं अब ब्रिटिश सरकार के लिए दिक्कत बढ़ सकती है, इसी वजह से उसने अमृतसर जिले में जहां पर रॉलेट सत्याग्रह की धूम मची हुई थी वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ का मतलब होता है सारी पावर्स आर्मी के हाथों सौंप देना। ये तब होता है जब वहां के लोकल गवर्नमेंट से वहां की स्थिति संभाली नहीं जाती है। सो ऐसा ही हुआ, अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ऐसे ही करते करते आखिर में आ गया 13 अप्रैल का दिन, जिस दिन जलियांवाला कांड होना था। सो हंड्रेड्स ऑफ पीपल सुबह जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, कुछ लोग गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए और कुछ लोग बैसाखी मेला अटेंड करने के लिए वहां पर गए। अब देखो मार्शल लॉ लगा हुआ था वहां पर, जनरल डायर ने सोचा कि अगर हम लोगों को सत्याग्रहियों के अंदर डर फैलाना है तो हम लोगों को इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। तो जनरल डायर फौज की एक टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग के मेन गेट पर खड़ा हो गया। उसने एग्जिट गेट्स बंद करवा दिए और इसके बाद एक छोटी सी वार्निंग देने के बाद फायरिंग शुरू करवा दी। तड़ 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 गोलियां बरसती रही और हजारों लोग मरते रहे, बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग वहां पर मारे गए। इसी को हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। अब गवारों, मैसेकर को मैसेकरे मत पढ़ लेना वरना क्लास में भरी महफिल में बेइज्जती हो जाएगी। सो इसको मैसेकरे नहीं मैसेकर बोलते हैं, स्पेलिंग थोड़ी उल्टी सीधी है तो दिल पे काबू रखकर याद कर लो। अब जैसे ही जलियांवाले मैसेकर की खबर पूरे देश में फैली, वैसे ही पूरा देश गर्म हो गया। चारों ओर से लोग पुलिस वालों के ऊपर हमला करने लग गए और बदले में पुलिस वाले भी और क्रूर होकर डंडा बरसाने लग गए, गोली बरसाने लग गए, कोड़े बरसाने लग गए और एकदम गर्म माहौल हो गया पूरे कंट्री में। अब इसको देखकर गांधी जी ने सोचा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे नॉन वायलेंस वाले आइडिया को तुम लोग मिट्टी में मिला रहे हो। इसी वजह से उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह बंद करवा दिया। अब देखो गांधी जी ये सोचते थे ना कि इंडिया में ब्रिटिशर्स इसी वजह से हैं क्योंकि इंडिया वाले ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, इसी वजह से ब्रिटिशर्स का धंधा चल भी रहा है। उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में यही कहा था कि अगर इंडिया ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट करना बंद कर दे तो 1 साल के अंदर अंदर ये अंग्रेजी हुकूमत इंडिया से चली जाएगी। सो यही सोचकर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन नामक मुद्दा उठाया और उसे सितंबर 1920 कांग्रेस कलकत्ता सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात उठाई। अब देखो हम लोग की मूवीज में कुछ ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं। तुम लोग के दिमाग में होगा कि क्या कांग्रेस वाले इसका समर्थन करेंगे, क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो लोग इतने आसानी से अडॉप्ट कर लेंगे, क्या देश को आजादी मिलेगी, क्या हम लोग का देश आजाद होगा। तो अगर तुम लोग के दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो पिक्चर देखना आज ही से बंद कर दो, एंड गेम वाली जिंदगी मत जियो, ये रियलिटी है, आज हम लोग आजादी है। सो इतना कुछ बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होगा, छोटा मोटा ट्विस्ट एंड टर्न होगा जिसको हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तब सो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की थी और उसे कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में अच्छे से डिफाइन भी किया था। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये हुआ कि कांग्रेस के कई लीडर्स शुरुआत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने से बच रहे थे क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्हें सभी विदेशी चीजों का बहिष्कार करना था, बॉयकॉट करना था। सो इसी हिसाब से उन्हें नवंबर के 1920 के काउंसिल इलेक्शन को भी बॉयकॉट करना पड़ता जो कि वो नहीं चाहते थे। इसी वजह से कई डिबेट्स हुई, कई वाद प्रतिवाद हुए और आखिर में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट कर लिया गया। अब देखो गांधी जी ना दिमाग से बहुत तेज थे, उन्होंने सोचा कि अगर फिर से हम लोग कोई मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका अंजाम भी पिछले वाले की तरह होगा, तो ये जरूरी है कि अगर हम लोग फोन का कोई नया मॉडल निकाल रहे हैं तो उसका कैमरे का मेगापिक्सल थोड़ा और बढ़ा दो और स्पेसिफिकेशन थोड़ी और बढ़ा दो। इसी वजह से गांधी जी ने इस बार मास मूवमेंट इकट्ठा करने के लिए खिलाफत इश्यू की ओर भी देखा।
अब खिलाफत इशू क्या था उसको भी समझ लो कि वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर की हार हुई थी और ऑटोमन एम्पायर का जो एम्परर था वो मुस्लिम कम्युनिटी का वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल हेड था। जैसे क्रिश्चियंस का पोप होता है वैसे ही मुस्लिम्स का खलीफा था। तो ये र्यूमर फैल गया था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद अब खलीफा के साथ गलत व्यवहार होगा और उसे हटा दिया जाएगा। इसी वजह से इंडियन मुस्लिम्स के अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था अंदर से। उसी गुस्से का इस्तेमाल किया महात्मा गांधी ने और उस इशू को भी उठाया मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि एक न्यू यंग लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के, उनके साथ मिलकर उन्होंने खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। गांधी जी से ये बताना चाहते थे, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। इसी सोच के साथ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एकदम जोरों से शुरू हुआ। अब देखो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा था तो वहां पर कई टाइप के लोग भी रहते थे। कुछ पीजेंट्स थे, कुछ सिटी में रहने वाले लोग थे और कुछ ट्राइबल्स थे। अब तीनों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर कैसे पार्टिसिपेट किया, किस किस मुद्दों पे पार्टिसिपेट किया, चलो उसको देखते हैं। अब देखो, सिटी वाले तो एकदम जागरूक थे, उनको पता था कि आजादी का मतलब क्या होता है, हम लोगों को ब्रिटिशर्स से अपोज करना है। तो उन्होंने तुरंत तुरंत विदेशी स्कूल छोड़ दिया, विदेशी कोर्ट्स छोड़ दिए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, विदेशी जॉब्स छोड़ दी, मतलब पूरा विदेशी मुक्त हो गए सिटीज वाले लोग। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एकदम तेजी से चल दिया सिटीज में। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि घोड़ा घास को बॉयकॉट करेगा तो खाएगा क्या। वैसे सिटीज वाले जो लॉयर्स थे, जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स थे और जितने भी लोग जो जॉब कर रहे थे ना, उनके पास कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा साधन ही नहीं था। अब इंडियन स्कूल, इंडियन कोर्ट, ये सब तो उस टाइम पे खुले नहीं थे। इसके बाद एक और दिक्कत था कि अंग्रेजी कपड़ों को बहिष्कार करने के बाद उन्हें खादी कपड़े पहनने थे, लेकिन खादी सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि खादी बहुत महंगी थी। अब सिर्फ कच्छा पहन के मोगली बनकर तो घूमेंगे ही नहीं, हुआ हुआ करते हुए। इसी वजह से, इन दो कारणों की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज में शुरुआत में तो बढ़ा लेकिन बाद में धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो ये दो पॉइंट्स छाप देना अच्छे से बढ़ा चढ़ा के। सो सिटीज की तो ये स्टोरी थी। अब पीजेंट्स ने भी इसका बहुत जोर से समर्थन करा, लेकिन उनके जो मूवमेंट थे ना वो ब्रिटिशर से ज्यादा तालुकदार और लैंडलॉर्ड के खिलाफ थे। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लोगों से बेगार करवाते थे, मतलब कि काम करवा लो और पैसे भी ना दो, और बहुत ही ज्यादा रिवेन्यू लेते थे इन छोटे मोटे पीजेंट्स से। सो पीजेंट्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मानकर उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद पीजेंट्स ने इन लोगों को सर्विसेज देना भी बंद कर दिया। अब हम लोग तुम लोग के साथ काम ही नहीं करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोले तो तुम लोग से आजादी। सो पीजेंट्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपने जमींदार और तालुकदार से आजाद होने का एक जरिया माना और उसमें पार्टिसिपेट किया। इसी बीच में इनको सपोर्ट करने के लिए, इन्हें सही राह दिखाने के लिए कि अरे गवारो, ब्रिटिशर से लड़ो, इन लोगों से बाद में निपट लेना, पहले ब्रिटिशर से लड़ो, उसके लिए अवध पीजेंट्स के लीडर बाबा रामचंद्र ने और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर एक कम्युनिटी बनाई जिसे हम लोग अवध सभा के नाम से जानते हैं, अक्टूबर 1920 में, जिससे कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था वो मैनेज हो सके और सही वे में चलता रहे। देखो, जितनी भी बातें मैंने कही आराम से शांति से बैठ के उन सबको अच्छे से पचा लो और अच्छे से याद कर लो। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एकदम जोरों से चल रहा था। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि उसको सभी लोग, सभी कम्युनिटीज अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रही थी और अंग्रेजों को धीरे धीरे दिक्कत होना शुरू हो गया था। अंग्रेजी सामानों की बिक्री कम हो गई थी जिससे अंग्रेजों को उतना प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, तो ये अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहे। फरवरी 1922 में एक ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज, जो कि शुरुआत में शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने गोरखपुर के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और 22 अंग्रेजी पुलिस वाले मर गए। अब गांधी जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, कहा कि अब तुम लोग वायलेंस कर रहे हो, अब मैं इस मूवमेंट को बंद करता हूँ, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। अब देखो, जैसे ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद करवाया, वैसे ही कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स जैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने सोचा, अब हम लोगों को काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अरे भाई, जब ये मूवमेंट बंद हो चुका है तो हम लोग इतना तपस्या क्यों करें, हम लोग अगर इलेक्शंस लड़ेंगे और जीतेंगे तो कम से कम हम लोग अपने इंडियंस के बारे में बोल तो पाएंगे वहां पर, हम लोग अपनी राय ऊपर लेवल तक तो रख पाएंगे। सो इसी वजह से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, जिससे कि वो
काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। फिर से सब कुछ चलने लग गया, ठीक ही ठाक चलने लग गया। इंडियंस पिटते रहे, दिक्कत होती रही इंडियंस को। इसके बाद 1926 में वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ और 1930 तक आते आते हालत बद से बदतर हो गई। टैक्सेस फिर बढ़ गए और ब्रिटिशर्स गरीब लोगों के पेट में लात फिर मारने लग गए। सो इसमें नया कुछ नहीं था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था और पहले भी इंडियंस सहते आ रहे थे। लेकिन इस बार इस गरम तेल में मिर्च मसाले का तड़का डालता है साइमन कमीशन। सो देखो, साइमन कमीशन क्या था कि साइमन एक इंसान का नाम है जो कि इंडिया आ रहा था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए। एक कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो कि ब्रिटेन से डायरेक्ट पहली फुर्सत में यहाँ इंडिया आ रहा था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि इस कमीशन में इंडिया का कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब इंडिया का कोई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटिश चाहेंगे वही होगा, इंडिया की राय कोई रख नहीं पाएगा। इसी वजह से इस कमीशन का विरोध हुआ और साइमन के आते ही साइमन गो बैक के नारे लगने लग गए। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, भारत माता की जय। और इसी विरोध के बीच में लाठी चार्ज करवा देते हैं ब्रिटिशर्स और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। इससे पूरा इंडियन कम्युनिटी एकदम गुस्से से भभक उठता है, चारों ओर विरोध शुरू हो जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स को धीरे धीरे लगता है कि नहीं, अब तो दिक्कत बढ़ रही है हम लोगों के लिए। तो इसी वजह से लॉर्ड इरविन जो कि उस टाइम का वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल था, उसने इंडियंस को बहला फुसला कर वापस घर लौट जाने के लिए छोटी सी चॉकलेट दी। जैसे कि बच्चों को चॉकलेट दे दो तो वो शांत हो जाते हैं, वैसे ही इरविन ने सोचा कि अगर हम इनको थोड़ी सी आजादी दे देंगे, मतलब कि ये लोग हमेशा हम लोगों के अंडर रहेंगे और हम लोगों के अंडर ही फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। सो ये सोचकर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। लेकिन ये प्रस्ताव देखते ही इंडिया ने इसको खारिज कर दिया और कहा, छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। असल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। और उन्होंने कहा कि हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, हम लोग तुम लोग के अंदर रहकर आजादी नहीं पाना चाहते हैं, हम लोगों को टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। और कांग्रेस के लाहौर सेशन में दिसंबर 1921 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात रखी और 26 जनवरी 1930 को इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर इंडिपेंडेंस डे मनाया, नेशनल फ्लैग फहराया और कहा कि इस दिन हम लोग अपने आप को आजाद मानते हैं और आज ही के दिन से हम लोग पूर्ण स्वराज की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। और उसी दिन से बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स पूर्ण स्वराज की ओर अपना कदम बढ़ाते गए। अब देखो, जैसे ही इंडियंस ने इरविन की बात ठुकराई, वैसे ही इरविन और कई ब्रिटिशर्स गुस्से में आ गए और उन्होंने और कड़े कानून थोपना शुरू किया। सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया और कई सारी चीजों के ऊपर और एक्स्ट्रा टैक्स और कई सारे कानून बना दिए गए। इसी वजह से गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी। उन डिमांड्स में से एक था सॉल्ट टैक्स को हटाना और गांधी जी ने कहा कि आप 11 मार्च से पहले मुझे इसका रिप्लाई दे दो, वरना मैं इसके बाद एक नेशनल लेवल का बड़ा सा मूवमेंट शुरू करने वाला हूँ। लेकिन इरविन ने गांधी जी के लेटर पे कोई ध्यान नहीं दिया और 11 मार्च तक रिप्लाई ना आने पर गांधी जी ने सोचा कि अब तो हम लोगों को शुरू करना ही होगा और 12 मार्च को उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में दांडी मार्च की शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि तुम लोगों ने ये जो सॉल्ट टैक्स लाया है, जो सॉल्ट लॉ लाया है, उसको मैं तोड़ूंगा। और 12 मार्च से उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की और साबरमती से दांडी तक वो पैदल चलकर गए। 240 माइल्स का रास्ता उन्होंने 24 डेज में कंप्लीट किया। अब तुम लोग सोचोगे कि वो ट्रेन से टुक-टुक-टुक-टुक करके क्यों नहीं चले गए। तो देखो, इसका मेन रीजन ये था कि गांधी जी चाह रहे थे कि ये 240 माइल्स के बीच में जितने भी विलेजेस हैं उनको ये बात बता दें आखिर ये स्वराज का मतलब होता क्या है, वरना फिर से ये लोग अपना अपना लेकर बैठ जाएंगे स्वराज का मतलब। इसी वजह से ये रास्ते में सभी लोगों को बताते फिरे कि आखिर स्वराज का मतलब है क्या। और 6 अप्रैल ये दांडी पहुंचे और इन्होंने नमक बनाया और इसी के साथ में शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब देखो, ये बोर्ड्स वाले कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में कोई एक बड़ा अंतर बताओ। तो देखो, इन दोनों के बीच में एक अंतर ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में
ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस ने कॉपरेट नहीं किया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अंग्रेजी चीजों का त्याग तो करना था, उनको बॉयकॉट तो करना था, साथ ही में ब्रिटिश रूल्स को भी तोड़ना था, डिसोबे करना था। तो यही एक मेन डिफरेंस है इन दोनों का। सो इसको दिमाग में जरूर रखना, क्या पता किसी जन के पाप की वजह से क्वेश्चन ही आ जाए। सो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। So, देखो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था और इंडिया वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया था गांधी जी का, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एकदम तेजी से दौड़ता हुआ चल पड़ा इंडिया में। अब देखो जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला कि नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, तो वो लोग धीरे धीरे अंदर से थोड़ा घबराने लग गए और थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लग गया उनको, क्योंकि देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग था। मैंने तुम लोग को बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉज को तोड़ना था, डिसोबे करना था, और यही हुआ और सारे कानून तोड़े जाने लग गए। अब देखो ब्रिटिशर्स ने भी चूड़ियां तो पहन नहीं रखी थी। अब देखो ब्रिटिशर्स तो पहले से ही गुस्से में थे और इन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, लोगों को पीटना शुरू किया, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे सबको जेल में बंद कर दिया गया। अब देखो पूरे इंडिया में तनाव का माहौल फैल गया, क्योंकि देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रियली में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था और सब लोगों को लग रहा था कि हम लोग पक्का निकल जाएंगे इससे, अब या तो आर या तो पार। सब लोगों के मन में अंदर ही अंदर ये बज रहा था। इस गम को मार डालो। लगभग सभी कम्युनिटीज ने, सभी अमीर गरीब सभी लोगों ने इसका सपोर्ट किया था। अब क्यों किया था चलो जल्दीबाजी में उसको भी देख लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा सपोर्ट रिच पीजेंट्स ने भी किया था, क्योंकि उनको उनके क्रॉप्स का पूरा दाम नहीं दिया करते थे ब्रिटिशर्स। रिच पीजेंट्स को ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे कि तुम लोग कम दाम में अपने क्रॉप्स को बेचो हम लोगों को, और इसके बाद रिवेन्यू तो उनसे ज्यादा लिया ही जाता था। तो रिच पीजेंट्स ने ये सोचा चलो अब इस मूवमेंट में लग जाया जाए जोरों से, जिससे कि आजादी मिल जाएगी तो कम से कम हम लोगों को थोड़ा आराम तो मिलेगा, हम लोग के क्रॉप्स अच्छे से बिकेंगे तो, और हम लोगों को रेवेन्यू भी नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद पुअर पीजेंट्स ने भी इसका जोरों से सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड्स उनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेता था। अब देखो लैंडलॉर्ड्स की भी क्या गलती, अगर हिंदी में बोले तो जमींदार की भी क्या गलती। अंग्रेज जमींदार से पैसा मांगते थे और वो गरीब पीजेंट से पैसा मांगता था। मतलब कुल मिलाकर बस ये ब्रिटिशर्स की वजह से ही पूरे इंडिया में अमीर गरीब सारे टाइप के लोग परेशान थे, और क्योंकि अब उन लोगों को एक वे मिल गया था ब्रिटिशर्स को अपोज करने का, तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया। तो देखो ये तो रही सपोर्ट की बात, अब हम लोग देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने आखिर क्या क्या कहर डाला ब्रिटिशर्स पर। तो देखो ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट कम मिलने लग गया, ब्रिटिशर्स की जो कमाई थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई, और क्योंकि चारों ओर दंगा भड़क रहा था तो ब्रिटिशर्स को भी कंट्रोल करने में धीरे धीरे दिक्कत आने लग गई। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स की भी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लग गई, और आखिर में ये निष्कर्ष निकला कि जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके पीछे पूछ पकड़े ये इंडियंस चल रहे हैं, उन सभी को जेल में डाल दो। तो सबसे पहला काम किया गया कि अब्दुल गफर खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, जिससे लोगों के अंदर और गुस्सा आ गया और मूवमेंट और तेजी से शुरू हो गया, चारों ओर मारपीट ये सब होने लग गया। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने करीब 1,00,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब देखो ये सब देखकर गांधी जी ने सोचा कि 1,00,000 लोग पकड़े जा चुके हैं, उनको भी ब्रिटिशर्स मार देंगे और आजादी आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, उससे अच्छा ये मूवमेंट को आज बंद कर दिया जाए, बाद में 1-2 साल बाद जब ये 1,00,000 प्रिजनर्स छूट जाएंगे तब हम लोग फिर से इस मूवमेंट को शुरू करेंगे। तो देखो गांधी जी के मन में ये आया और उन्होंने इरविन से बात की और इरविन पैक्ट साइन हुआ, और 1,00,000 लोगों को छोड़ने के वादे के साथ में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गया। अब देखो जितने भी इंडियंस थे जो अपना घर बार छोड़कर, अपनी जॉब्स छोड़कर और अपनी सारी पूरी दुनिया ही छोड़कर आए थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने, उनको जब पता चला कि गांधी जी ने ये मूवमेंट बंद करवा दिया है, तो वो लोग गांधी जी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अब देखो उस गुस्से को ना फील करने के लिए तुम लोग को उसे अपने लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। चलो एक तुम लोग को स्टोरी बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, चैप्टर अभी कुछ देर के लिए साइड में रखो और आराम से इस स्टोरी को फील करो। मान लो बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में एक गेम्स पीरियड तुम लोग को मिलता है और तुम लोग 15-20 लोग आराम से जाकर वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, कुत्ता बिल्ली ये सब खेल रहे हो, आराम से तुम लोग खुश हो, तुम लोग के लाइफ के सबसे अच्छे पल बीत रहे हैं, तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अचानक से पीरियड खत्म होने की बेल बज जाती है,
तुम लोग को अंदर से बुरा लगता है, लेकिन तुम लोग वापस जा रहे थे कि चलो यही हम लोग की किस्मत है। बीच में तुम लोग के ही ग्रुप से एक धुरंधर आकर बोलता है कि चलो 5-10 मिनट और रुक जाया जाए, टीचर को बोला जाएगा कि बेल सुनाई नहीं दी, और आराम से फिर हाथ मुंह धोकर चिल करके आराम से चलेंगे, और पूरे क्लास को तो पनिशमेंट मिलेगी नहीं। फिर सभी के मन में लड्डू फूटने लगता है, चलो 10 मिनट और गेम्स मिलेगा, 10 मिनट और गेम्स मिलेगा, और तुम लोग भी एकदम खुश होकर फिर से खेलने लग जाते हो। और वो धुरंधर पीरियड की बेल बजने के 2 मिनट बाद ही पानी पीने चला जाता है क्लास की तरफ। अब तुम लोग आराम से 10 मिनट और एंजॉय करते हो, और जब क्लास जाते हो तो देखते हो कि जो धुरंधर तुम लोग को ये एडवाइस दिया था वही फर्स्ट बेंच पर बैठ के टीचर के बताए हुए नोट्स बना रहा है। अब ये सीन देखकर जो तुम लोग को भस्म वाला फीलिंग आएगा ना, विश्वासघात वाला फीलिंग आएगा ना, वही फीलिंग आ रहा था उस टाइम के लोगों को। तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि प्रैक्टिकली 2 साल बाद जब ये फिर से लॉन्च करने की कोशिश की थी गांधी जी ने, तो किसी ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यही था पूरा सीन, पूरा सिनेरियो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत, उसके कॉल ऑफ तक। अब बीच में एक और पॉइंट आता है कि आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतना बड़ा लेवल पर क्यों नहीं चला। देखो सपोर्ट तो मिला था, लेकिन हर एक गली हर एक कस्बे वाला जो सपोर्ट होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, हर गली हर गांव कस्बे वाला सपोर्ट नहीं मिला था। और जहां जहां मिला था वहां तो अच्छा लॉयल सपोर्ट मिला था, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ एरियाज ऐसे रह गए थे जहां पर कुछ सपोर्ट ही नहीं मिला था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स को दोबारा संभलने का टाइम मिला और उन्होंने 1 लाख प्रिजनर्स को दोबारा कैप्चर किया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरे कंट्री ने, हर एक इंसान ने, हर एक इंडियन ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली बार वुमेन्स का सपोर्ट भी बढ़ चढ़कर मिला था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई कि कांग्रेस के उस टाइम पर जो बड़े बड़े लीडर्स थे उसमें में से ज्यादातर लोग ब्राह्मण्स के ओर थोड़ा ज्यादा झुके हुए थे। वो एक कम्युनिटी को, एक पार्टिकुलर ब्राह्मण्स की कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे थे, तो बाकी जो रिलीजन्स थे, बाकी जो रिलीजन कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया। इसी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स का, इसके बाद बाकी अदर कम्युनिटीज का उतना बढ़ चढ़कर सपोर्ट देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो उन्होंने कांग्रेस के इस बर्ताव के वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हाफ हार्टेडली पार्टिसिपेट नहीं किया। अब इसके बाद एक और चीज थी कि जितने भी वर्किंग क्लास थी, मतलब जो काम करने वाले कामकाजी लोग होते हैं, वर्कर्स थे, उन्होंने भी उतना सपोर्ट नहीं किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, क्योंकि फिर से कांग्रेस के कुछ लीडर्स अमीर बिजनेसमैन के ऊपर ज्यादा झुके हुए थे और उनके तरफ ज्यादा थे, तो वर्कर्स को लगा कि हम लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हैं और हम लोग इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब कांग्रेस में उस टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो खुद अपनी पार्टी का और पूरे देश का कचड़ा करते रहते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग ये रिग्रेट नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स जिन्होंने उस टाइम पर आजादी दिलवाने में अपना सपोर्ट किया था, वो लोग रियल में ट्रू हीरोज थे। तो देखो यही कुछ लिमिटेशंस थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, या फिर हिंदी में बोले तो यही कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को दोबारा से वापस अपना पावर स्टेब्लिश करने का टाइम मिला और उन्होंने 1 लाख लोगों को पकड़ कर बंद कर लिया, और फिर इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। तो देखो इसी के साथ ही एपिसोड खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा, और इस पूरे चैप्टर के नोट्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। हम लोग के ऑफिशियल वेबसाइट mspknowledgeofficial.com पर तुम लोग को सारे नोट्स, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें जितना तुम स्टडी मटेरियल के नाम पर सोचते हो अपने दिमाग में, वो सारी चीजें तुम लोग को फ्री में मिलेंगी। मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जाए। तो देखो मुझे पता है कि पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा होगा तुम लोग के दिमाग में अब तक खिचड़ी बन गया होगा। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इरविन कौन था, इसके बाद NCM, NDM ये सब है क्या। सो देखो इसी वजह से मैं तुम लोग को एकदम शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर का स्टोरी लाइन बता देता हूँ कि ये चैप्टर शुरू कहाँ से हुआ है और हम लोगों को जाना कहाँ तक है। सो देखो ये चैप्टर शुरू हुआ था भूले भटके अलग अलग बटे हुए इंडिया से, जो लाचार था और जिसके पास कोई रास्ता नहीं था इन ब्रिटिशर्स को भगाने का। मतलब सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रेवोल्यूशन करते जा रहे
रहे थे, पिटते जा रहे थे, जेल में बंद होते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में होती है गांधी जी की एंट्री, और जिनके नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की वजह से हमारे पूरे देश को ब्रिटिशर्स को अपोज करने का एक नेशन वाइड रास्ता मिलता है। हम लोगों ने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पूरा सपोर्ट हुआ था, लेकिन आखिर में चौरी चौरा के वजह से नॉन कॉपरेशन को बंद कर दिया गया। इसी वजह से कुछ लोगों के मन में गुस्सा भी आया कि बिना किसी आउटपुट के क्यों बंद करवा दिया गया। फिर इसके बाद दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस देखी थी, मतलब आखिर वो कौन से कारण थे जिसके वजह से ये मूवमेंट ओवरऑल फेल हुआ। और अगर मैं तुम लोगों को उन सभी 5 पॉइंट्स को निचोड़ कर बताऊं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कामयाब ना होने का एक मेन कारण था हमारे देश की अनेकता, हमारे देशवासियों के बीच में आपसी अविश्वास, हिंदी में बोले तो एक दूसरे के बीच में नो भरोसा। अब देखो, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर, मतलब उस टाइम पीरियड में जब सिविल डिसोबीडियंस चल रहा था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया था, इस पूरे टाइम में हम लोग ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा देश पूरा बट रहा था धीरे धीरे। मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में अविश्वास आ रहा था। कई बड़े बड़े लीडर्स जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, वो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की मांग कर रहे थे। कई कम्युनिटीज, कई रिलीजन्स के लोग ये सोचने लग गए थे कि अगर आज हम लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर इस देश के नाम पर लड़ने मरने जाएंगे, और क्या पता कल को आजादी भी मिली। लेकिन अगर हम लोगों को आजाद देश में कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो हम लोगों के इस फाइट का फायदा ही क्या है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं फालतू में। यही सोच धीरे धीरे आगे आने लग गई थी। B.R. अंबेडकर ने भी मुद्दा उठाया था, और क्योंकि कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े लीडर्स अमीर बिजनेसमैन और ब्राह्मण्स कम्युनिटी की ओर थोड़ा ज्यादा झुक रहे थे, इसी वजह से दरार धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस के अंदर भी कई विचारधारा वाले, कई सोच वाले लोग आने लग गए थे। कुछ लोग किसी कम्युनिटी को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग किसी रिलीजन को सपोर्ट करते थे। इसी वजह से पूरा देश खिचड़ी बनकर रह गया था। सभी छोटी मोटी कम्युनिटीज के लोग ये मांग करने लग गए थे कि भाई साहब, हमको गारंटी दे दो कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद तुम लोग तो हम पे गुलामी नहीं थोप दोगे। इन्हीं सब खींचा तानी के बीच में आग में घी डालने का काम किया B.R. अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग ने। अब हमको पता है, तुम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में नहीं पता है, तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अभी चैप्टर साइड रखो और सारा आलतू फालतू का जंजाल अपने दिमाग से हटाओ और सिर्फ मेरी बात सुनो। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट में। तुम लोग के स्कूल में वेडनेसडे के दिन सभी लोग हरे लाल कबूतर बन के आते हैं, और लाल, पीली, हरी, नीली, ये सारी ड्रेस पहनकर आते हैं, जिसे हम लोग लॉकडाउन के टाइम से हाउसेस के नाम से जानते हैं, बिरसा रमन, सुभाष टैगोर, फलाना ढिमकाना हाउसेस। और साल में एक दिन ऐसा आता है जब उस ड्रेस की भी वैल्यू रहती है, और वो दिन रहता है बैच डिस्ट्रीब्यूशन का दिन, जब स्कूल में नया स्कूल कैप्टन और हाउसेज में स्पोर्ट्स, CCA, फलाना डिमकाना कैप्टन चुने जाते हैं। उस दिन जब सभी हाउसेज के बच्चे टोली बनाकर, झुंड बनाकर अलग अलग होकर बैठते हैं और हाउस कैप्टन डिसाइड किए जाते हैं। पीली जर्सी पहना बनमानुस लाल जर्सी वालों के झुंड में नहीं जाता है। सब लोग अपने अपने झुंड में बैठकर वोट करते हैं, और एक हाउस कैप्टन जो कि लीडर बनता है वो चुना जाता है। वहीं हम लोग बात करें स्कूल कैप्टन डिसाइड करने की, तो चाहे वो कोई भी जर्सी पहना हुआ हो, सब लोग एक साथ मिलकर वोट देते हैं और पूरे स्कूल का एक कैप्टन डिसाइड होता है। हाँ, अलग बात है, इन लोगों का कहीं काम नहीं आता है पूरे साल में, लेकिन कैप्टन डिसाइड होते हैं। अब इसे तुम लोग इलेक्शन से भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर हाउसेस मतलब रिलीजन, छोटी मोटी कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज। अभी के टाइम पे रिलीजन उलिजन ये सब नहीं देखा जाता है, और सभी लोग एक साथ मिलकर वोट करते हो उस बंदे को जो कि स्टेज पे खड़ा होकर भाषण देता है और कहता है कि मुझे वोट दो, मैं ये काम करूंगा। और सभी कम्युनिटी, सभी रिलीजन के लोग मिलकर एक लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं, और कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स में से कोई एक बनता है लीडर, जिसे तुम लोग स्कूली भाषा में स्कूल कैप्टन कह सकते हो। इसे हम लोग जनरल इलेक्टोरेट कहते हैं। यहाँ पर सभी लोग चुनिंदा कैंडिडेट्स को वोट देकर लीडर्स बनाते हैं। और अगर हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें, तो वो एकदम हाउस कैप्टन के इलेक्शन के जैसा होता है। मतलब कि वहां पर सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग अपने ही लीडर को वोट करेंगे, और हर एक कम्युनिटी से एक एक लीडर सामने आएगा जो उनकी बात ऊपर लेवल तक रखेगा।
मतलब इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि जनरल इलेक्टोरेट में सब लोग चुनाव लड़ भी सकते हो और सब लोग वोट भी दे सकते हो और जो लीडर बनेगा वो सबकी आवाज साथ में उठाएगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में छोटी छोटी कम्युनिटीज अपने अपने लीडर्स को चूज करेंगी और वो सारे लीडर्स मिलकर आगे जाएंगे और एक साथ में डिस्कशन करेंगे और अपने अपने कम्युनिटी के बातों को उठाएंगे। उस टाइम पर बीआर अंबेडकर ने सोचा कि सेपरेट इलेक्टोरेट में दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस जो कि बहुत कम मात्रा में हैं, उनको भी अपने लीडर्स आगे भेजने का मौका मिलेगा, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इसी वजह से उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, और ब्रिटिशर्स तो थे ही चीर फाड़ बंटवारा करने वाले, उन्होंने उनकी बात मान ली जिससे कि दलित और बाकी कम्युनिटीज धीरे धीरे अलग हो जाएं। और अगर तुम लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो तुम लोग को खुद ही पता चल गया होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू यूनिटी बन ही नहीं सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सब लोग अपने अपने लीडर को वोट देंगे और दूसरे कम्युनिटी से किसी का नाता वाता नहीं रहेगा, सब लोग जाकर वही कुत्ता बिल्ली टाइप एक दूसरे की कम्युनिटी वाले लीडर्स आपस में लड़ेंगे कि नहीं मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, और यही छोटा छोटी होता रहेगा। इसी वजह से जब ये बात गांधी जी तक पहुंची तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि इससे तो हम लोगों की आजादी मिल ही नहीं पाएगी और आजादी मिलेगी भी तो बहुत दिनों बाद मिलेगी। और इसी बी आर अम्बेडकर के मांग के खिलाफ गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ, हिंदी में बोले तो आमरण अनशन शुरू कर दिया और कहा कि जब तक बी आर अम्बेडकर अपनी मांग वापस नहीं लेंगे तब तक मैं ना खाना खाएगा ना पानी पिएगा। अब गांधी जी के इस बात में दम था और देश को गांधी जी की जरूरत, इसी वजह से बी आर अम्बेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली और कहा कि मैं आज आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देश को आपकी जरूरत है, लेकिन ट्रस्ट मी आगे ऐसा जरूर होगा जब दलित्स को पीछे रखा जाएगा और हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस को और दबाया जाएगा। गांधी जी ने ये बात सुनकर बी आर अम्बेडकर को भरोसा दिलाने के लिए पूना पैक्ट साइन किया जो कि सितंबर 1932 में हुआ था, और उसमें ये कहा गया कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं लेकिन हम लोग रिजर्व सीट रखेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। मतलब कि ये नहीं कि अलग अलग कम्युनिटीज अपने अपने लीडर्स चुनेंगी बल्कि सभी कम्युनिटीज सभी लोग मिलकर वोट करेंगे, हाँ पार्लियामेंट में कुछ परसेंट हिस्सा दलित और डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर्स के लिए भी रखा जाएगा, मतलब पूरा हथियाया नहीं जाएगा, अदर कम्युनिटी के लोगों के लिए भी कुछ हिस्सा बचाकर रखा जाएगा कि वो लोग भी जीते और वो लोग भी आकर अपनी बात आगे रखें। अब ये तो रही बी आर अम्बेडकर और डिप्रेस्ड क्लासेस की मांग, लेकिन उस टाइम पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी और उन्होंने मुस्लिम बहुल एरियाज मतलब जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं वहां पर उन्होंने 50% सीट मुस्लिम लीडर्स के लिए रिजर्व करने को कहा। अब देखो ऐसी चर्चाएं उस टाइम पर बहुत तेज हो गई, मतलब कि हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज इन सब में आपस में भेदभाव अविश्वास जागने लग गया, सब लोग सोचने लगे कि आजादी के बाद ही तो पक्का बदल जाएगा, ये लोग हमें हमारा हक नहीं देंगे, ये सारी चीजें और बढ़ने लग गईं। और टू बी ट्रू इसमें ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा हाथ था, मतलब ब्रिटिशर्स कभी किसी से कुछ बात करते थे कभी किसी से कुछ बात करते थे, और यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर फिर से शुरू कर दी थी। सो इस पार्ट के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम लोगों का इंडिया धीरे धीरे बट रहा था, लोग धीरे धीरे आपसी विश्वास खो रहे थे और लोगों में आपसी भरोसा नाम का चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसी वजह से हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स ने ये सोचा कि आज हम लोगों के बीच में आपसी फूट क्यों बढ़ रही है, मतलब इसका रीजन क्या है, आज हम लोग एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं। So, इसका मेन रीजन सामने आया कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, मतलब कि परदेसी परदेसी जाना नहीं लेकिन एंड में वो है परदेसी, मतलब भले ही तुम उसको रोक रहे हो लेकिन है तो वो परदेसी ही ना। लोगों में उस टाइम में वही फीलिंग थी, मतलब कोई एक दूसरे से अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से हमारे बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि क्रिएटिव थे, जो कि पेंटिंग बना सकते थे, अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते थे, लोगों के सामने अपनी राय प्रस्तुत कर सकते थे, बोल सकते थे, उन सभी लोगों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हमारे देश को उसका इतिहास बताया जाए कि हम लोग पहले भी एक ही जैसे थे, मतलब जब तुम लोग आदि मानव थे, जब तुम लोग को
बोलना भी नहीं आता था, तब से ही हम लोग साथ में रह रहे हैं। हम लोगों ने धीरे धीरे विकास किया, हमारे भगवान सेम है, हमारी नस्ल सेम है, हम लोग इंसान ही है, हम लोग जिस भगवान को मानते हैं वो ओवरऑल एक ही है, हमारे पूर्वज साथ में रहते थे, हम लोग एक ही जैसे हैं, सब लोग एक ही हैं। अब एक चीज को 100 बार बोलने के बाद भी हम लोगों को कोई एक रीजन चाहिए जिससे हम लोग एक साथ रह पाए। इसी वजह से कई पेंटर्स ने भारत माता को बनाने की कोशिश की, जिससे कि हम लोग रिलीजन के परे भी एक दूसरे को आपस में रिलेट कर सकें। इसी क्रम में अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक पेंटिंग बनाई भारत माता की, और उन्होंने बताना चाहा कि हम लोग एक ही हैं, ये हमारी मदर है, ये हमारी गॉडेस है, हम लोगों के भगवान है ये। हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी इसके बारे में पढ़ा था और देखा था कि कैसे यूरोप के लोगों ने भी जर्मेनिया और मारियान को बनाकर लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की। सो वैसा ही यहाँ पर भी हुआ, और भारत माता बनाई गई, पेंटिंग्स बनाई गई, लोगों के बीच में पोस्टर्स छपवाए गए, लोगों को बताया गया कि हम लोग एक हैं, और आखिर में इन सभी चीजों का रिजल्ट ये आता है कि आज हम लोग आजाद हैं। अगर हम लोग इस चैप्टर का कंक्लूजन देखें तो ये है कि हमारा देश जब तक बटा हुआ था तब तक आजादी हम लोगों के लिए दूर थी, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और आखिर में आज हम लोग आजाद हैं। इसी के साथ हम लोग ये कंक्लूजन पर भी पहुंच गए। कंक्लूजन बताने लायक कुछ है नहीं, पूरा चैप्टर तुम लोग पढ़ चुके हो। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो एक और बार इस पूरे वीडियोस को देख लो अगर तुम लोग के पास टाइम है, और अगर टाइम नहीं है तो मैं कुछ दिन में रिवीजन वीडियो लाने की सोचूंगा जिससे कि तुम लोग का 8-10 मिनट में रिवीजन भी हो जाए इस चैप्टर का। बाकी तुम लोग इस चैप्टर के नोट्स और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी मतलब SST और इंग्लिश के सारे नोट्स तुम लोग MSPKnowledgeOfficial.com पर पढ़ सकते हो। वहाँ पर तुम लोग को सारे क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें तुम लोग को फ्री में एकदम मिल जाएंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो वो तो सोने में सुहागा हो ही जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।